एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरीके से यूज किए जाते हैं। वर्ड सेम ही रहेगा लेकिन अलग अलग सेंटेंस में इसका अलग अलग मीनिंग होगा। सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं जो है अ। अब अ यहाँ पे क्या है, आर्टिकल की तरह अगर से यूज होगा। अब ए एन द सभी को पता है कि अ एक आर्टिकल होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट अल्फाबेट की वीडियो में बताया था कि ए एक सिंगल लेटर है, लेकिन मैं इसको वर्ड में क्यों कंसीडर करती हूं, क्योंकि इसका एक फुल फ्लेज्ड मीनिंग होता है। अब अगर वो आर्टिकल की तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होगा एक। अ वुमेन इज हियर में अ का मतलब है एक लेडी, एक औरत। वही अगर ये प्रीपोजिशन की तरीके से यूज किया जाए, शी हैज गॉन अ शूटिंग। अब अ शूटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो एक शूटिंग पे गई है। यहां पे प्रीपोजिशन की तरीके से यूज हुआ है, यानी उसका मतलब है पर। वो शूटिंग पर गई है। नेक्स्ट वर्ड है एयर। अब एयर कहीं भी आए उसका एक ही मतलब होता है हवा, लेकिन यहां पे एयर दूसरे तरीके से भी यूज किया जाता है। पहला एयर जो है वो किसकी तरीके से यूज होता है, नाउन की तरीके से। अब नाउन एक तो बहुत सिंपल है जो सभी को पता है, वो है हवा। और यहां पे दूसरा होता है हाव भाव, यानी कैसे उसके हाव भाव हैं। एयर का एग्जाम्पल मैंने यहां पे नहीं दिया है बिकॉज एयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस, दैट इज वेरी सिंपल, जो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ते आए हैं। हाव भाव के लिए द गर्ल गिव्स हरसेल्फ द एयर्स ऑफ अ मिस वर्ल्ड, यानी वो अपने आप को कैसा हाव भाव दे रही है, कैसा बिहेव कर रही है, जैसे वो एक मिस वर्ल्ड हो। यहां पे आप कुछ न्यू सीख रहे हैं कि एयर को एयर्स की तरह हाव भाव के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ब, जो कि एक क्रिया होती है। अब वर्ब की तरीके से यूज हो तो यानी कोई काम करना है। यहां पे काम क्या होगा कि हम हवा को यूज करके किसी चीज को सुखा रहे हैं। एग्जाम्पल, शी इज एयरिंग हर हेयर, वो अपने बाल सुखा रही है। अब ड्राई करना, ये सब वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, लेकिन एयर का अगर वर्ब के तरीके से यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है हवा का इस्तेमाल करके किसी चीज को सुखाना। नेक्स्ट वर्ड है आर्म। आर्म का मतलब हम सभी को पता है, क्योंकि हम बॉडी पार्ट्स में उसको पढ़ते हैं, जो कि होता है भुजा, यानी बाजू। वहीं पे उसका एक और मीनिंग होता है, जो होता है हथियार, जैसे द सोल्जर फाइट्स यूजिंग आर्म्स। तो इसका एक सेंटेंस ये है, दैट शी वॉज कैरिंग अ डॉल इन हर आर्म्स। बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आर्म्स का मतलब है भुजाएं। अगर वो वर्ड भुजा या हथियार की तरीके से यूज होता है, यानी वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह। वहीं पर हम कोई और सेंटेंस पढ़ते हैं, मेनी सोल्जर्स आर आर्म्ड विद गन्स। अब यहां आर्म्ड ना तो हथियार है, क्योंकि हथियार तो यहां पे गन है, ना ही भुजाएं हैं। तो यहां पे इसका मतलब है कि बहुत से सोल्जर्स जो हैं आर्म्ड, मतलब उन्होंने वो सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो लिए हुए हैं, यानी वो उनके पास हैं। दे आर आर्म्ड विद गन्स, यहां पे उसका मतलब है अस्त्र सज्जित करना, यानी वो चीज। दे आर आर्म्ड विद गन्स एंड ग्रेनेड, यानी उन्होंने वो चीज सज्जित करी हुई है। और वहां पे क्योंकि उन्होंने करी है तो वो किस तरीके से यूज होता है, वर्ब की तरीके से, क्योंकि किसी भी चीज को करना मतलब क्रिया। नेक्स्ट वर्ड है काउ, जो शायद हर बच्चे तक को पता है कि काउ का मतलब होता है गाय। अगर आप उसका सेंटेंस देखें तो काउ गिव्स अस मिल्क, यानी यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, गाय की। उसका मतलब है गाय, और गाय क्या है, एक संज्ञा यानी नाउन है। वहीं पे हम नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन काउ रोहन। तो क्या इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी चीज रोहन को गाय कर देगी, नहीं। यहां पे इसका एक डिफरेंट मीनिंग है जो आज आप लर्न करेंगे, जिसका मतलब होता है डराना, यानी दुनिया की कोई भी चीज रोहन को डरा नहीं सकती।
तो काव का मतलब डराना भी होता है, और डराना मींस कुछ करना, तो यहां पे वो यूज होता है वर्ब की तरीके से। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसका मतलब हमें दूसरे तरीके से शायद पता ही नहीं है, और हम उसको एक ही नाउन के तरीके से आज तक इस्तेमाल करते आए हैं। बैंक, एक बैंक वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पे आप अपना कैश डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, और वो हम सभी को पता है। एग्जाम्पल ICICI, HDFC, SBI और बहुत सारे बैंक्स। एक बैंक का मतलब होता है तट यानी किनारा, जिसको हम रिवर बैंक बोलते हैं। अ रिवर फ्लोज बिटवीन इट्स बैंक्स, दो किनारों के बीच में से रिवर फ्लो करती है। तो यहां पे बैंक का मतलब है तट या किनारा। अब तट या किनारा एक नाउन है। यहां पे शी इज बैंकिंग ऑन हिज हेल्प। अब बैंकिंग ऑन हिज हेल्प का मतलब क्या है? बैंकिंग तो मतलब एक जगह, यहां पे बैंकिंग का मतलब है निर्भर करना यानी डिपेंड करना। वो लड़की उस बॉय की हेल्प पर पूरी तरीके से डिपेंड कर रही है, मतलब शी इज बैंकिंग ऑन हिज हेल्प। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वो सेंटेंस यूज कर सकती हूं दैट आई एम बैंकिंग ऑन योर सपोर्ट। आप सपोर्ट करेंगे उस पर मैं निर्भर कर रही हूं। तो निर्भर करना यहां पे बैंकिंग का मतलब है, और वहां पे क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं इसलिए वो क्या हो गई? क्रिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेड। इसका एक मतलब तो सभी को पता है यानी निर्जीव यानी मर जाना, जिसका सेंटेंस है द देयर वाज अ डेड डॉग, मैंने एक वहां पे एक मरा हुआ कुत्ता था। अब निर्जीव यानी मरा हुआ, जिसका यहां पे अब कोई अस्तित्व नहीं है, जो अब मर चुका है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जो उस डॉग को डिफाइन कर रहा है कि वो डॉग मरा हुआ है। वहीं पे आई एम डेड टायर्ड टुडे। नाउ डेड टायर्ड का मतलब क्या है? कि मैं मरा हुआ हूं, मरा टायर्ड हूं। यहां का मतलब है पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण का मतलब होता है पूरी तरीके से। आई एम वेरी टायर्ड टूडे, अब आप बहुत थके हुए हैं। वही आप एक चीज बोलते हैं आई एम डेड टायर्ड, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं, आज मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूं, यानी पूर्ण रूपेण। और वहां पर इसका होता है क्या? एडवर्ब। यहां पे किस तरीके से काम कर रहा है? एडवर्ब के तरीके से। नेक्स्ट वर्ड का मैंने मीनिंग और किस तरीके से यूज हुआ है वो नहीं लिखा है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे क्या है? डॉग, जिसका एक मीनिंग और एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा ही नहीं है, जो सबको पता है, जिसका मीनिंग होता है कुत्ता, जो कि एक एनिमल है। सेंटेंस कोई भी बनाया जा सकता है, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। दूसरा मीनिंग का सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वो है द पुलिसमैन डॉग्ड द क्रिमिनल, पुलिसमैन ने क्रिमिनल को डॉग्ड किया। अब यहां पे डॉग का मतलब क्या है? कुत्ता बना दिया? नहीं, यहां पे डॉग का मीनिंग है कि पुलिसमैन यानी द कॉप्स डॉग्ड द क्रिमिनल, यानी उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब, खोजने का मतलब होता है डॉग्ड। तो यहां पे अगर मैं मतलब लिखूं तो उसका मतलब हो सकता है पकड़ना या फिर खोजना। अब अगर ये पकड़ना है और खोजना है तो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी ये? ऑफ कोर्स ये होगा वर्ब। ये आपका वर्ब की तरीके से यूज हुआ है, क्योंकि हम पकड़ने खोजने यानी किसी क्रिया की बात कर रहे हैं। ऐसे कई वर्ड्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से यूज होते हैं, जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे सेक्शंस में उनको सीखेंगे तो हम उन्हें याद रख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे सभी वर्ड्स मैं एक एक कर वीडियोस में डाल के आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।